ये संड और अमर जो है, क्षमा कीजिए, प्रहलाद महाराज जो है अपने घर पर, क्षमा कीजिए, उस स्थान पर इनके जो इंस्टीट्यूट थे जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, फाइटिंग सिखाया जाता था, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटा, ये सब छोड़ के ये भगवान की भक्ति में लग रहा है। संड अमर ने सोचा अगर हिरण्यकश्यपु को ये बात पता चल गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें पता चले इससे पहले हम ही उन्हें बता देते हैं। तुरंत संड और अमर्क प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यपु के पास गए और संड और अमर्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु को के पास ले जाकर जो कहते हैं सूरदास जी अपने पद में वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, हम तो बहुत भांति परिहारे, हम भांति परिहारे, हम तो बहुत परिहारे, इन तो राम ही नाम उचारे, इन तो राम नाम उचारे। हम तो बहुत भांति परिहारे, हम इन तो राम ही नाम उचारे, इन तो प्रहलाद महाराज के गुरु संड और अमर्क हिरण्यकश्यपु से कहते हैं, महाराज हमने आपके पुत्र को बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन आपका ये बालक समझ नहीं रहा, हमारे बार बार समझाने पर भी ये राम का नाम ही ले रहा है, ये विष्णु का नाम लेना बंद ही नहीं कर रहा है। इन तो राम ही नाम उचारे, इन तो इन तो राम ही नाम उचारे, हम तो बहुत भांति पछिहारे, महाराज हमारे बार बार कहने पर भी ये विष्णु का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है। जब राम का नाम, विष्णु का नाम हिरण्यकश्यपु ने सुना तो तिल मिला गया। तब हिरण्यकश्यपु कहते, प्रहलाद तुझे मैं बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, तुझे भय नहीं लगता? बोले, नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, तुझे बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा है? तू कोई मंत्र जानता है? तू कोई तंत्र जानता है? नीप कहयो कोई मंत्र कछु जानी, नीप कहियो मंत्र जंत्र कछु आही, नीप कहियो मंत्र जंत्र कछु आही, नीप सो तुम मोके दे ही बताई, सो तुम मोके दे ही बताई, सो तुम मोके दे ही बताई।
प्रहलाद तुम कोई जंत्र जानता है, तू कोई मंत्र जानता है, तुझे बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, तू मर क्यों नहीं रहा है? तुझे पहाड़ों से गिराया गया, होलिका की गोद में जलाया गया, जर खिलाया गया, सांप से डसाया गया, हाथी के नीचे कुचलिया गया, फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा? तुझे कौन बचा रहा है? तेरे बचाने वाले कौन है? तेरे बचने का कारण क्या? नीप कहो मंत्र जंत्र कुछ आई, नीप कहो नीप कहो मंत्र जंत्र कुछ आई, सो तू मो को दे ही बताए, सो तू मोगो दे ही बताए, मंत्र जंत्र मेरे हरि नामा, मंत्र जंत्र रे हरि नामा, मंत्र जंत्र मेरे हरि नामा, जब हिरण्यकश्यप ने मुझे मरलाद प्रहलाद तुझे बार बार मारने के बाद भी कौन बचा रहा है तुझे? तू कोई मंत्र जानता है? तू कोई तंत्र जानता है? बोले नहीं पिताजी, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं कोई तंत्र नहीं जानता, मुझे बचाने वाला तो एकमात्र भगवान विष्णु का नाम है। जैसे ही मैं भगवान विष्णु का नाम लेता हूं, भगवान तुरंत मुझे बचाने के लिए आ जाते हैं। मंत्र जंत्र मेरो हरि नामा, मंत्र जंत्र मोरे, मंत्र जंत्र मेरो हरि नामा, मंत्र घट घट में जाको विश्रामा, घट घट में, घट घट में जाको विश्रामा, जाको विश्रामा। मेरे मंत्र जंत्र एकमात्र विष्णु का नाम है। अच्छा, तुझे विष्णु बचाता है? विष्णु तुझे बचाता है? विष्णु तुझे बचाने के लिए आता है? बता तेरा विष्णु कहां है? आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है, बता तेरा विष्णु कहां है? तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप ये कहिए मेरे विष्णु कहां नहीं है? मेरा विष्णु तो संसार के घट घट में है, यत्र सत्र यत्र तत्र सर्वत्र समस्त जगत में मेरे भगवान है। घट घट में जाको विश्रामा, घट 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 में जाको विश्रामा, जहाँ तहाँ सोई करत सहाई, जाता सोई करत सहाई, जाता सोई करत सहाई, तासो तेरो कछु न बसाई, तासो हिरण्यकश्यप ने कहा, बता तेरा विष्णु कहां है? तब प्रहलाद कहते, पिताजी आप ये कहिए मेरे विष्णु कहां नहीं है? मेरे विष्णु संसार के घट घट में है, यत्र तत्र सर्वत्र चतुर्वक्त्र समस्त जगत में मेरे भगवान है।
प्रहलाद ने कहा भगवान सब जगह पर है। प्रहलाद महाराज कह रहे कि भगवान सब जगह पर है मेरे, आप ये कहिए मेरे विष्णु कहां नहीं। प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान सब जगह है। तब हिरण्यकश्यप कुष्पु कहते हैं आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है। तो उसी समय उनके महल में अनेक खंभे थे, अनेकों पिलर बनी हुई थी उस महल में। हिरण्यकश्यपु की नजर एक खंभे पर गई। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंभे में तेरा भगवान है, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है। वास्तव में उस खंभे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा हां यत्र तत्र सर्वत्र अभी मेरा भगवान सब जगह पर है, तो इस खंभे में भी मेरे भगवान है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खंभे में मेरा भगवान है, उस समय हिरण्यकश्यपु ने अपनी वज्र के समान कठोर मुष्टिका बनाकर उस खंभे के पास गया और अपनी उस मुष्टिका का एक प्रहार जैसे ही उस खंभे के ऊपर करने का प्रयास किया, उसी समय देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, ऋषि मुनि की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा कि हां मेरे भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर है, इस खंभे में भी मेरे भगवान, हिरण्यकश्यपु उसी समय अपनी वज्र के समान एक मुष्टिका बनाकर उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही उसने उस खंभे के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, उसी समय देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, ऋषि मुनि की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटती हुई गायों की संरक्षण करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव उस खंभे को तोड़कर प्रकट हो गए। जैसे ही उस खंभा टूटा, उस खंभे से दिव्यनाद प्रकट हुए। जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों नगाड़े एक साथ बज उठे, जैसे आकाश के सारे बादल एक साथ गरज उठे, वैसे ही एक भयंकर आवाज हुई, दुर्लभ गर्जना हुई। इस आवाज को सुनकर देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, अप्सराओं की मृत्यु बंद हो गई, सूर्य की दिशा बदल गई, सूरज पश्चिम की ओर जा रहा था पूरब में जाने लगा, समुद्र की गति बदल गई, आकाश और पर्वत तिलमिलाने लगे। भगवान नृसिंहदेव के नाद सुनकर हिरण्यकश्यपु कांप गया। बट्टों वैशाख महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, उस खंभे को तोड़कर भगवान नरसिंह ने प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु देखता रह गया अद्भुत शरीर, ना नर है ना सिंह है, नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव के दिव्य विकराल शरीर, भगवान नरसिंह देव के कान ऊंचे पहाड़ की गुफा के समान, उनकी नासिका भयानक नख, भगवान नरसिंहदेव की विशाल छाती, कमर पतली चंद्रमा के समान चमचमाते हुए भगवान नरसिंहदेव के रोंगटे, उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंज निकल रहा है, भगवान नरसिंहदेव के लपलपाती हुई तलवार के समान जिह्वा, भगवान नरसिंहदेव सैकड़ों सैकड़ों भुजाएं, भगवान नरसिंहदेव के सैकड़ों सैकड़ों भुजाएं सैन्य की काम कर रही है। सर्वप्रथम भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, होकर जैसे ही चलने लगे, भगवान के चलने की आवाज से, चलने की धमक से यह ब्रह्मांड डोलने लगा। और सर्वप्रथम भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु की जो सैन्य थी उस सैन्य को उठा उठाकर काट दिया, विध्वंस कर दिया। और तब हिरण्यकश्यपु अपनी तलवार लेकर भगवान नरसिंहदेव के ऊपर टूट पड़ा। भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु के बीच घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध छुड़ा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ, युद्ध करते करते भगवान नरसिंह ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है। संध्या का समय होते ही भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे एक गरुड़ सांप को देखता है, वैसे भगवान श्री नरसिंहदेव ने अपनी दृष्टि हिरण्यकश्यपु के ऊपर डाली।
और जैसे एक गरुड़ सांप को झपट मार के उठा ले, भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे एक गरुड़ सांप को झपट मार के उठा ले, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठा लिया। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का मारने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकश्यप को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। हिरण्यकश्यप के मस्तक से ताज गिरने लगा। हिरण्यकश्यप का दाहिना अंग फड़कने लगा। दीदी के हृदय से खून चूने लगा। साधुओं के मन में आनंद होने लगा। यसुओं के मन में क्षोभ होने लगा। ब्रह्मांड फटने लगा। भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप को लेकर चौखट पर आए। हिरण्यकश्यप को अपने गोद में सुला दिए। और जैसे एक चटाई बनाने वाला मिस्त्री एक घास को फाड़ देता है, एक गरुड़ एक सर्प को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को जैसे ही मारा, आकाश में देवता प्रकट हुए। भगवान नरसिंहदेव के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे और समस्त लोग भगवान नरसिंहदेव की जय जयकार करने लगे। नरसिंह देव भगवान के तव कर कमल वरेण कामरभूत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवतीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेण कामद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्तों, आज भागवत जी के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र में, इस घर में भगवान श्री नरसिंहदेव का प्राकट्य हुआ। सब लोग भगवान श्री नरसिंहदेव की स्तुति कीजिए। तव कर कमल वरेण काम अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेण काम अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेण काम अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। सर्व विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, वैसे देखा जाए तो भगवान उस खंभे में नहीं थे, परंतु सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम।
आरती की थैली रेडी कीजिए। अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। वैसे उस खंभा में भगवान नहीं थे, परंतु प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ा। भगवान कभी भी अपने भक्त की बात को मिथ्या नहीं करते। कुछ लोग, आज के लोग उंगली उठाते हैं कि ये पत्थर को पूजते हैं। अरे प्रहलाद महाराज ने सीमेंट और छड़ की बनी हुई खंभे में कह दिया भगवान है, तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने दिखा दिया कि मैं पत्थर को तोड़ के प्रकट हो सकता हूं। विश्वास होना चाहिए। वैसे भगवान नरसिंहदेव की कथा बहुत लंबी है भक्तों। भगवान नरसिंहदेव ने बिल्कुल उग्र रूप धारण कर लिया। सारे देवता भयभीत हो गए थे। उस समय निर्विघ्न प्रहलाद ने, यहां तक कि लक्ष्मी देवी जो है भगवान के पास गए तो भगवान ने भयंकर गर्जना की, नरसिंह देवी भाग खड़ी हुई। उस समय निर्विघ्न प्रहलाद ने भगवान को हार माला पहनाई, बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद से कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चीज से मांगो। भक्त ने कहा, प्रभु, प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु, यद्यपि मेरे पिता असुर थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे, मुझे भक्ति करने में बहुत बाधा दे रहे थे, आपके चरणों में यही विनंती है कि आप मेरे पिता को सदगति प्रदान कीजिए। तब भगवान नरसिंह देव ने कहा, बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा लेता है, उस कुल का 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर देता हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे पिता को वैकुंठ प्रदान किया, परिवार में एक भी पुत्र प्रहलाद जैसा हो जाता है, पूरे परिवार को उद्धार करता है। इस प्रकार सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं। भगवान नरसिंहदेव का स्मरण करने से, भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यत पाद पल्लव युग्मन विघ्नाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समाय गणाधिराज विघ्न विहंतु मलम रसाय जगत त्रसाय। कहते हैं गजत गजानन गणपति महाराज संसार के विघ्नों को हरते हैं, लेकिन संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति गणपति गजानन महाराज को कहां से मिलती है? गणपति गजानन महाराज संसार के विघ्नों को हरते हैं, लेकिन उनको ये शक्ति कहां से मिलती है? तो कहते हैं भगवान नरसिंह देव के चरणों से निकली हुई एक छटाक्ष मात्र कृपा जो है गणपति गजानन महाराज के ऊपर है, और उसी कृपा छटाक्ष से आज गणपति गजानन महाराज समस्त जीवों के दुख को हर रहे, विघ्न को हर रहे। भगवान नरसिंह देव से यही प्रार्थना है, यहां पधारे हुए समस्त श्रोताओं की रक्षा करें, समस्त को, सभी श्रोताओं के विघ्न को हरें।